सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो गाइस, क्या हालचाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं? अगर आप लोग यूज नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिसेबल कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी तरह फायरफॉक्स या क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो डेफिनेटली आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को पसंद नहीं करते होंगे, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसे डिसेबल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपने कंट्रोल पैनल टाइप कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्रोग्राम पे क्लिक कर लेना है। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपने यहाँ पर टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, ये आप लोग देख सकते हैं। अभी विंडो में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको शो हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को डिसेबल करना है तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हैं, और बाकी ऑप्शंस भी आपके पास गेम्स वगैरह तो उनको भी आप डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास विंडोज 7 है तो मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है। ये आप लोग मेरी विंडोज की प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं कि मैंने विंडोज 7 इंस्टॉल कर रखी है। ये विंडोज 7, 8, 8.1 और विंडोज 10 पे सब पे वर्क करेगा, लेकिन आपकी विंडोज के हिसाब से इंटरनेट एक्सप्लोरर की जो वर्जन है वो भी चेंज होगी। 7, 8 और 11 तक वर्जन इसकी अवेलेबल है। तो इसको दोस्तों आपने डिसेबल कैसे करना है? आपने इसके जो सामने टिक का ये निशान है इसको क्लिक करना है, ये रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना, ये आपके सामने वार्निंग आ जाएगी, इसको आपने यस पे क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आप और भी फीचर जो है डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गेम्स को भी डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मैं गेम्स इसमें यूज नहीं करता। तो यहाँ पर सब गेम्स को रिमूव करने के लिए इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लें। यहाँ पर मैं एक गेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, सब चीजें सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने ओके पे दबा देना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट लेगा ये, तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, कंप्लीट हो जाने के बाद आपने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। मैं भी यहाँ पर रीस्टार्ट लेटर कर देता हूँ। आपने रीस्टार्ट नाउ करना है ताकि आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो डिसेबल हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों आपने इसे रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप फिर से इसे अनेबल करना चाहते हैं तो वापस आपने इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, टर्न विंडोज फीचर ऑन एंड ऑफ पे। तो इसके सामने आप टिक का निशान डालेंगे तो आपको फिर से रीस्टार्ट करने को बोलेगा। रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो फिर से इनेबल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों ये। इसके बाद आपने इसे एग्जिट कर देना है और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देना है, तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो डिसेबल हो जाएगा और यहाँ से गायब हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और ऐसी कूल वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। तो उम्मीद है दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।